दोस्तों, इसमें किसी ने बताया था कि ये पेंट आप कैसे करते हो, तो ये पेंट मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो ये उसके लिए मुझे ये थ्रू केयर एक्रेलिक वॉल पुट्टी मैं यूज़ करता हूँ, जो फिलअप करने के लिए काम आती है, ये यूज़ करता हूँ। दूसरा मैं ये प्राइमर यूज़ करता हूँ, रॉयल वॉल बेस कोट प्राइमर यूज़ करता हूँ, यूएसचेन कंपनी का आता है प्राइमर है, वो यूज़ करता हूँ। और उसके बाद ये कलर आता है लेक्जरिस इम्यूलेशन रॉयल कलर आता है, ये 700 रुपये का ये पूरा डिब्बा आता है 1 लीटर का, लेकिन उससे बहुत सारा पेंट हो सकता है, खींचने में बहुत अच्छा खींचता है ये। और ये ब्रश से भी होता है और रोलर से भी होता है। तो पहले प्राइमर करना है, पहले ये वॉल पुट्टी में जो खड्डे वो सारे भर देना है, वॉल पुट्टी के सारे खड्डे भर देना है, उसके बाद उस पर ये प्राइमर करना है और उसके बाद ये पेंट कर देना है, तो हो जाएगा। प्राइमर के 2 हाथ लगाने हैं, उसके 4 हाथ लगाने हैं। तो अभी मैं शुरू करता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता रहूँगा। ये 2 खड्डे हैं, देखो मैं उसको अभी भर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये पूरे 2 खड्डे भर दिए हैं और अभी उसको सूखने देने पड़ेगा और फिर से 2-3 बार उसको भरेंगे तभी ये अच्छी तरह से फिलअप होगा, तभी उसको सूखने देने पड़ेगा। अभी मैं उस पर ये प्राइमर का कोट लगाने वाला हूँ, जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये रोलर से ये आपको ये प्राइमर करना है रोलर से। ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्रश से ज़्यादा प्राइमर यूज़ नहीं होता, रोलर से ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन रोलर से बहुत जल्दी होता है। तो धीरे धीरे ये करना है। तो दोस्तों, मैंने ये प्राइमर के 2 हाथ लगा दिए हैं, जो इस तरह का स्ट्रक्चर के टाइप का ये होता है, स्मूथ नहीं आता है। अगर ब्रश से करेंगे तो एकदम लीसा और स्मूथ आएगा, और रोलर से करेंगे तो स्ट्रक्चर टाइप का आएगा। आपको जो पसंद है इस तरह से आप कर सकते हैं। ब्रश से करेंगे तो पेंट कम यूज़ होगा और लीसा आएगा, लेकिन ये वाटर ब्रिज वॉल का कलर है, इसलिए बहुत जल्दी से करना पड़ता है, और इसलिए मैं रोलर मैंने किया। अभी 2 हाथ लगा दिए हैं, उसको सूखने देना पड़ेगा, 20 मिनट में ये सूख जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्राइमर कर दिया, अभी उसके ऊपर 3 हाथ कलर के लगाने पड़ेंगे, 3-4 हाथ, उसके बाद ये वॉल सेट हो जाएगा। ये देखो, ये स्ट्रक्चर टाइप का होता है, देखो ये इस तरह का ये हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से प्राइमर के 2 हाथ मैंने लगाए हैं, आप देख सकते हैं, सूख जाएगा तो कलर करने का भी ज़रूरत नहीं रहेगा, इतना लाइट आ जाएगा उसके अंदर। उसके बाद उस पर पेंट करेंगे, पूरी रात प्राइमर को सूखने देना पड़ेगा, बहुत अच्छा झाग आता है प्राइमर से। अभी उसको पूरा प्राइमर कर देंगे और पूरी रात प्राइमर को सूखने देंगे, फिर कल उस पर कलर करने का चालू करेंगे। वाटर कलर से फ़ायदा क्या है कि बहुत जल्दी सूख जाता है, ये फ़ायदा है। ब्रश से करते हैं तो एकदम लिस्सा कलर होता है, उनको ऊपर हाथ लगाएंगे तो भी एकदम लिस्सा लगेगा, उससे करेंगे तो स्टको टक्का लगेगा, स्टको आता है जैसे थोड़ा रफ कलर लगता है, उस तरह का लगेगा अभी ब्रश से। रोलर से करते हैं तो, क्योंकि रोलर उसका करीबन 150 रुपये का रोलर आता है, उसका स्पेशली रोलर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आता है 150 रुपये का रोलर आता है। तो दोस्तों, ये प्राइमर किया था कल, ये 12 घंटे के बाद टोटली सूख गया है, जो आप देख सकते हैं ये टोटली सूख गया है। अभी उसके ऊपर पेंट करने का चालू करेंगे। तो प्राइमर पहले किया, वही प्राइमर टोटली सूख गया। जो प्राइमर यूज़ किया है वो ये वाला प्राइमर है, ये प्राइमर है जो यूज़ किया है, रॉयल वॉल बेस कोट
ये वाला प्राइमर मैंने यूज़ किया है। दोस्तों अभी ये प्राइमर उसका पूरा लग गया है वाइट कलर में, बहुत अच्छा दिखता है प्राइमर, कलर करने का कोई ज़रूरत लगता नहीं ऐसा दिखता है। तो अभी उसके ऊपर कलर करने का चालू करेंगे, ये रोलर से यहाँ कलर चालू करेंगे। तो किसी भाई ने पूछा था कैसे करते हैं, तो मैं ज़रा सा ट्रायल बेस पर बता देता हूँ कैसे करते हैं। बस इस तरह से ये करते हैं, देखो। तो अभी ये हो जाएगा, शुरू में बहुत कलर खाएगा, धीरे धीरे एक दो कोट के बाद कलर निकल जाएगा और ऐसी डिज़ाइन बनाएगा। देखते हैं आप, अगर ब्रश से करते हैं तो डिज़ाइन नहीं आएगी, रोलर से करते हैं तो डिज़ाइन आती है। तो इस तरह से पेंट करते हैं, करें कम से कम 4 हाथ लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों अभी पेंट के 2 हाथ मैंने लगाए हैं, अभी 2 हाथ और लगाने हैं। तो दो हाथ में अभी तक यहाँ तक उसका वो साइन आया है, और 2 हाथ लगेंगे तो पूरा साइन आ जाएगा। दोस्तों ये टावर स्पीकर बन के तैयार हो गया, अभी पेंट सब काम फिनिश कर दिया उसमें। इसमें जो लगाया है, जो ये कलर का मेरे पास नहीं था जब मैंने ऑर्डर किया, तब उसने भेजे, पर मैंने 6 महीने के बाद खोले तो उसमें 2 अलग अलग निकले, तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। तो अभी एक उसमें ऑरेंज कलर का है, उसमें अलग कलर का है, लेकिन दोनों का कंपनी एक ही है। तो इस तरह से ये पूरा टावर स्पीकर तैयार हो गया है, कलर हो गया है। अभी उसको 12-14 घंटे तक उसको सूखने देना पड़ेगा। और पीछे ये सारे स्क्रू लगा दिए हैं मैंने, कवर खोलना है कभी तो उसको खोल सकते हैं, क्योंकि स्पीकर मैंने अंदर से लगाए हैं, इसलिए ये सारे स्क्रू उसमें लगाए हैं, ये पोस्ट लगा दिया है। तो इस तरह से ये काम आज ख़त्म हो गया। अभी मेरे पास 2 स्पीकर का पैर हो गया, पहले 1 स्पीकर था, अभी 2 हो गया एक जैसे। तो दोस्तों ऐसे दोनों मैंने सेम हाइट और सेम मेजरमेंट के बनाए हैं। सिर्फ एक ऑरेंज कलर का मेरे पास स्पीकर नहीं था, वूफर नहीं था, कभी फ्यूचर में मिलेगा तो लगा देंगे सेम कलर, लेकिन दोनों में एक ही टाइप के वूफर है, सिर्फ कलर अलग है। तो इस तरह से पूरे 2 टावर स्पीकर आज बन गए।